किया जाता है कांवड़ मेले के दृष्टिगत। रोड के आसपास रोड की साइड में कोई भी बड़े वाहन, लोड वाहन और अनलोड वाहन खड़े नहीं होंगे। अतः आप सभी को सूचित किया जाता है कि जिस किसी ने भी अपने वाहन रोड साइड खड़े किए हुए हैं वह अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। दिनांक 17 तारीख के बाद ही यह रूट खोला जाएगा। सुरक्षा के दृष्टिगत यह डिसीजन लिया गया है। अतः आप सभी चालकों से निवेदन है कि रोड किनारे कोई भी मालवाहक वाहन या बड़ा वाहन खड़ा नहीं होगा। नमस्कार, सुरागिला न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आप सभी को पता होगा कि कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। कुछ दिनों पूर्व सभी पुलिस कर्मियों द्वारा IGL के प्रांगण में एक मीटिंग भी की गई थी, जिससे कांवड़ यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो वो सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल हाईवे 74 टोल प्लाजा, जो काशीपुर जसपुर के बीच में पड़ता है। आपको ये पोस्टर दिख रहा होगा कि भारी वाहनों का प्रवेश निषेध है 9 तारीख से 17 तारीख तक। तो भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ पे पुलिस द्वारा लगातार 2 दिन से मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि कोई भारी वाहन यहाँ प्रवेश ना कर सके। आपको इस तरह मैं दिखाना चाहूंगी, कैमरा पर्सन से कहूंगी कि इधर दिखाएं कि किस तरह भारी वाहन खड़े हैं। इसी तरह से ये जो बीचों बीच है इसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है ताकि ये जो है यहाँ से कोई भारी वाहन एंटर ना ले, क्योंकि कांवड़िए लगातार इसी दिशा में जो है जाते हैं और काशीपुर में एंटर करते हैं। हरिद्वार से सीधा रास्ता पड़ता है, तो ऐसे ही जो मेन हाईवे हैं या रोडें हैं या सड़क मार्ग हैं उन पर खास तौर से ध्यान रखा गया है ताकि जो भारी वाहन है वो तेज़ रफ्तार में ना आए। क्योंकि कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि भारी वाहनों के चलते कई बार बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिससे धार्मिक भावनाएं तो आहत होती हैं, लेकिन हमारा खुद का मन भी आहत हो जाता है। क्योंकि किसी कांवड़िए के कोई घायल होना, क्योंकि वो इतने दूर से भोले की भक्ति में होकर आता है, तो उनका ध्यान रखना भी एक आम इंसान की जिम्मेदारी बन जाता है। तो पुलिस प्रशासन द्वारा ये बेड़ा उठाया गया है कि इस बार बहुत अच्छे से ये ध्यान रखा गया है कि कोई भी भारी वाहन इस तरफ से काशीपुर में एंटर ना करे। और जब तक कांवड़ यात्रा समाप्त नहीं हो जाती, जब तक ये चल रही है, तब तक भारी वाहन पूरी तरह से निषेध रहेंगे। इस पर हम SP अभय प्रताप सिंह जी से भी बात करेंगे और जानेंगे और किस तरह की तैयारियां की गई हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो सभी इंडस्ट्रियल लोगों को भी सूचित कर दिया गया है, ये बता दिया गया है कि वो अपने भारी वाहनों को इधर मार्ग से नहीं ले जा सकते। और क्रैशर वगैरह जैसे भी कोई ऐसा वाहन होता है जिससे उनका जो सामान है वो ट्रांसपोर्ट होता है, आवागमन होता है, वो इस तरफ से नहीं जा सकता। जब तक ये कांवड़ यात्रा 9 तारीख से 17 तारीख तक चल रही है, तब तक भारी वाहन यहाँ से निषेध रहेंगे। देखिए, सभी को वर्ष 2023 की कांवड़ यात्रा की बधाई। जो द्वितीय चरण का ट्रैफिक प्लान था वो कल दिनांक 9 जुलाई से लागू है, जो 17 जुलाई तक रहेगा। पहले से भी हमने अवगत कराया था और आपके माध्यम से दोबारा अवगत करा रहे हैं कि जिन हैवी वाहनों को, जिन भारी वाहनों को वाया बिजनौर, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, देहरादून आदि जगहों पर जाना है, वो वाहन कल 9 जुलाई से 17 जुलाई तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। 2 दिन से टोल प्लाजा पर आज वाहन खड़े थे, सभी वाहन के जो ड्राइवर थे उनको समझाया गया है, उनको यथास्थिति से अवगत कराया गया है, क्योंकि आज पंचक है और पंचक तक उस तरीके से कांवड़ नहीं चल पाती। 10 जुलाई को आज पंचक खत्म होने के बाद कल से वो पुली कांवड़ बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में एहतियातन कोई दुर्घटना ना हो, कोई जोखिम न लिया जाए और किसी कांवड़िए सकुशल कांवड़ यात्रा हो, इसी के अंतर्गत हमने हैवी वाहन जो भी वहाँ पर खड़े थे सबसे वार्ता करके उनको वापस भी भेजा है। और संपूर्ण प्रकार के हैवी वाहन, चाहे किसी भी प्रकार के दूध फल सब्जी को छोड़ करके, वो पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।